हेलो फ्रेंड्स, चाय पीना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है या नुकसानदेह, इस बात पर बहुत बहस होती रहती है। लेकिन चाय के साथ क्या खाना चाहिए या क्या नहीं खाना चाहिए, इस बात का कोई जिक्र ही नहीं करता। चाय का चलन भारत जैसे देश में बहुत ज्यादा हो गया है। सुबह उठते ही हर एक इंसान की चाहत होती है कि उसके हाथ में एक गर्म चाय की प्याली हो। चाय पीना एक सीमा तक लाभदायक है, लेकिन जब चाय ज्यादा पी जाए तो ये नुकसान भी पहुँचा सकती है। भारत में चाय की वजह से लोगों को कम ही परेशानी होती है, लेकिन चाय के साथ स्नैक्स के रूप में लिए जाने वाले फूड आइटम्स जरूर लोगों की सेहत पर बुरा असर डालते हैं। आप चाय के साथ क्या खा रहे हैं, इसका सीधा असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है। आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें यदि आप चाय के साथ खाते हैं तो यह आपके शरीर को गंभीर नुकसान पहुँचा सकती है। बेसन से बनी चीजें और चाय। भारत में चाय के साथ सबसे ज्यादा बेसन की बनी हुई चीजों का सेवन होता है, वो चाहे बरसात के मौसम में चाय के साथ पकोड़े खाने की आदत हो या फिर ठंड के मौसम में बेसन से बनी नमकीन के साथ चाय की चुस्की ली जाती हो। लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो चाय के साथ बेसन की चीजों को नहीं खाना चाहिए, ये शरीर में पोषक तत्वों की कमी का कारण बन जाते हैं। बेसन की चीजें चाय के साथ खाने पर पाचन तंत्र के लिए ठीक नहीं होता। चाय को पीते समय किसी भी तरह के खाद्य पदार्थ के सेवन से बचना चाहिए, जबकि कुछ हेल्थ एक्सपर्ट तो ये भी मानते हैं कि चाय के साथ बेसन की चीजों का सेवन करने से बालों की समस्याएं होने लगती हैं, बालों का झड़ना और बालों का सफेद होना भी जल्दी शुरू हो जाता है। चाय के साथ हरी सब्जियों का कॉम्बिनेशन। हरी सब्जियां एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं, इसीलिए इनका सेवन लाभकारी होता है। लेकिन बहुत सारी सब्जियां जैसे कि ब्रोकली, सरसों, सोयाबीन, मूली आदि में पर्याप्त मात्रा में आयरन भी होता है। इन सब्जियों के साथ चाय का सेवन करने से आयरन का सिंथेसिस नहीं हो पाता, साथ ही पाचन संबंधित समस्याएं भी पैदा हो जाती है। तो अब से जब भी आप चाय पिए, हरी सब्जियों को चाय के साथ ना लें। प्रोटीन रिच फूड और चाय। चाय के साथ अंडा, सोयाबीन आदि प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन कभी ना करें। अंडे में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, लेकिन चाय के साथ प्रोटीन रिच फूड खाना सेहत के लिए किसी भी लिहाज से सही नहीं है। चाय में मौजूद टेनिन प्रोटीन के अवशोषण को पूरी तरह से रोक देता है, जिससे आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाती है। लेमन और चाय। नींबू की चाय यानी लेमन टी को पॉपुलर वेट लॉस ड्रिंक के तौर पर देखा जाता है और ज्यादातर लोग इसे सुबह में ही पीना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि चाय की पत्तियों को और नींबू के रस को जब हम एक साथ मिलाते हैं तो चाय एसिडिक बन सकती है और इससे आपको पेट फूलने यानी ब्लोटिंग की समस्या हो सकती है। सुबह खाली पेट लेमन टी पीने से कुछ लोगों को एसिड रिफ्लेक्स या फिर हार्ट बर्न की समस्या भी हो सकती है। अगर आपको पहले से ही एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो इस तरह की चाय बिल्कुल ना पिए। हल्दी और चाय। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऐसी चीजें जिसमें हल्दी मिली हो, इन चीजों को भी चाय के साथ खाने से पेट से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। इसमें गैस, एसिडिटी, कब्ज की परेशानी होगी। हल्दी और चाय की पत्तियां एक दूसरे के अनुकूल नहीं है और इससे डाइजेशन पर बुरा असर पड़ता है। भारत में ज्यादातर नमकीनों में हल्दी मिली होती है, इसलिए चाय के साथ हल्दी वाली नमकीनों से परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये बालों की समस्या का मुख्य कारण बन सकती है। ठंडी चीजें और चाय। चाय पीने के बाद किसी भी तरह की ठंडी चीज का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग चाय पीने के कुछ देर बाद ही पानी पीने लगते हैं। चाय के तुरंत बाद पानी पीना किसी जहर खाने से कम नहीं है। चाय के तुरंत बाद अगर आप पानी पीते हैं तो इसका बुरा असर आपके पाचन तंत्र पर पड़ता है, आपको पेट से जुड़ी कई समस्याएं होने लगती हैं और आप गंभीर रूप से एसिडिटी की समस्या का शिकार हो सकते हैं। चाय के तुरंत बाद पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। आयरन रिच फूड और चाय। चाय में पाए जाने वाले टैनिन से ही इसे गहरा भूरा रंग मिलता है। इसी तरह से ग्रीन टी में कैटेचीन और फ्लेवोनोइड्स पाए जाते हैं, जो टैनिन का ही एक प्रकार है। ये तीनों ही आयरन के अवशोषण को बाधित करते हैं, यानी अगर आप चाय के साथ आयरन रिच फूड खाते हैं तो ये आयरन के अवशोषण को पूरी तरह से रोक देते हैं, जिससे आपके शरीर में आयरन की कमी आ सकती है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक व शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो।